नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन क्या क्या है। नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी फाउंडेशन की ओर से ऑरेंज सिटी अंतर्राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का शुभारंभ 6 फरवरी को वनामती के सभागृह में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, महापौर संदीप जोशी, विभागीय आयुक्त संजीव कपूर व जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। महोत्सव के दौरान दिग्दर्शक मधुर भंडारकर और एनिमेशन गुरु आशीष कुलकर ने इनका सत्कार किया जाएगा। फिल्म महोत्सव में विविध भाषा में कुल 40 फिल्में शहर की आइनॉक्स जसवंतुली मॉल में दिखाई जाएगी। तो ये फेस्टिवल है 6 से 9 तारीख को, 6 तारीख को शाम को 5 बजे वानामती ऑडिटोरियम में इसका इनॉग्रेशन होगा, उद्घाटन होगा। वो उद्घाटन आदरणीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन जी राउत करेंगे और उस कार्यक्रम में महापौर साहब रहेंगे, नागपुर महानगर पालिका के उपायुक्त रहेंगे, आयुक्त रहेंगे और डॉक्टर संजीव कुमार जो डिविजनल कमिश्नर है वो सब बताता हूँ और रविंद्र ठाकरे जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो उपस्थित रहेंगे। ये पूरे फेस्टिवल में इनॉग्रेशन के बाद पहली फिल्म लीजा वो पहले दिन दिखाई जाएगी, उसके बाद 27 फिल्में पूरी फिल्में और 28 शॉर्ट फिल्में 7, 8, 9 तारीख को आइनॉक्स तुली जसवंत मॉल इंदौरा स्क्वायर में ये पूरा फेस्टिवल रहेगा। वहाँ साइमल्टेनियसली 2 थिएटर चलेंगे तो ये सब 27 फिल्में और 38 शॉर्ट फिल्में ये दिखाई जाएगी। हर फिल्म के बाद में जो उनके एक्सपर्ट है उससे इंटरेक्शन होगा। इसमें 5-6 मराठी फिल्में हैं, जो एक डॉक्टर जब्बार पटेल की सामना जो मूवी है, जो डॉक्टर श्रीराम लागू जिनका अंतकाल अभी हाल में हुआ है उनके ट्रिब्यूट में दिखाने जाने वाली है और बाकी 5 मराठी फिल्में हैं। तो उनके जो डायरेक्टर्स है वो यहाँ आएंगे, एक्टर्स आएंगे, एक्ट्रेसेस आएंगी और लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।